हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी सिंधी स्पेशल अरबी टुक। जेडे बच्चे अरबी खाना पसंद नहीं करते वो भी इसनों बहुत शौक नाल खाणगे। अरबी टुक बनाने लिए 400 ग्राम मैं अरबी ली है। जो आप अरबी टुक बनाना है तो आप अरबी बहुत ध्यान नाल चूज करनी, एवें दी अरबी लेनी है थोड़ी सीधी सीधी। कई बार अरबी ना थोड़ी रिंगी टेढ़ी जी होंगी है, कितों पतली कितों मोटी या कितों इधरों साइड तो निकलिया होंगे, उवें दी अरबी नहीं अपन लैनी है। अरबी नूं मैं बहुत चंगी तरह धो लिया, हुण इसनूं मैं बॉयल करूंगी। देखो पा ले, इन्ना क पानी मैं पाया कुकर विच। कुकर विच अरबी पा के अद्धा चम्मच मैं नमक दा पा देना। एक विसल मैं बजानी है, ज्यादा नहीं सेक लगाना कि अरबी गली जाए। बस जो एक विसल दे देगा कुकर तो फिर मैं फ्लेम बंद कर देनी। अरबी बॉयल हो चुकी है, हम मैं इसको चेक करूंगी, चाकू नाल चेक करांगे। ये चाकू आराम नाल विच जा रहे तो ठीक बॉयल हुई है। तुसी देखो चाकू बहुत आराम नाल विच जा रहे, बस इन्नी की बॉयल करनी सी। मैं अरबी नूं थोड़ा ठंडा कर लेना, फिर मैं इसको छिल लेना। अरबी नूं मैं छिल लिया, एक कड़ाही विच मैं ऑयल गर्म कर लिया। हुण इस विच अरबी नूं मैं फ्राई करूंगी। हाई फ्लेम से फ्राई नहीं करना, फ्लेम मैं मीडियम रखी है और बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना। हल्का जहा गोल्डन ब्राउन करना, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी अंदर, इन्नी की अरबी फ्राई करनी। अब तुसी देखो अरबी का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो चुके है, अंदरों भी सॉफ्ट हो गई है। बस मैं इन्नी की फ्राई करनी सी, हम इसनों बाहर कढ़ांगे। मैं अरबी ना थोड़ी मीडियम साइज की ली है, इस करके मैं पूरी पूरी अरबी ले ली। जो थोड़ी अरबी बहुत मोटी हो लंबाई विच इसके दो पीस भी कर सकते हैं। देखो ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, इन्नी की फ्राई करनी है। अरबी का एक पीस लाऊंगी, हुण मैं इसनों पोटैटो मैशर नाल थोड़ा प्रेस करूंगी। देखो एवें ना थोड़ा प्रेस कर लेना। तुसी ये प्रोसैस अपने हाथ नाल भी कर सकते हो, किसी कौली दी बैक साइड नाल भी कर सकते हो। एवें सारी अरबी नूं मैं अच्छी तरह प्रेस कर लेना पोटैटो मैशर नाल। जदों अरबी नूं प्रेस करना तो बहुत जोर दी नहीं प्रेस करना। तुसी देखो अरबी सारी प्लेन है तो आराम नाल प्रेस हो रही है, इस विच कोई गठा नहीं हैगी। अरबी मैं सारी प्रेस कर ली है, हुण कड़ाही विच ऑयल ना तेज गर्म कर लेना। तेज गर्म ऑयल विच मैं अरबी नूं थोड़ा क्रिस्पी करूंगी। तेज गर्म विच फ्राई करना अरबी नूं, फ्लेम हाई रखनी। अब तुसी देखो अरबी ना थोड़ी क्रिस्पी ते गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हुण मैं इसनूं कढ़ाई चों बाहर कढ़ लैणा। इसे तरह हाई फ्लेम ते ना तेज गर्म ऑयल विच मैं सारी अरबी फ्राई कर लैणी। सारी अरबी फ्राई हो चुकी है। वैसे तो तुसी इसनूं भी एवें ही नमक लगा के खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। मैं इस विच पाउण लई थोड़े जिहे मसाले लूंगी। अद्धा चम्मच मैं नमक दे लूं, बहुत ज़्यादा नमक नहीं मैं ला रही, पहला भी नमक पा लिया जो बॉयल किया। 1/4 चम्मच हल्दी दे लूंगी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैं, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर लूंगी, बहुत थोड़ा जहा गरम मसाला ऐड करूंगी, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर लूंगी, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर लूंगी। एक कढ़ाही विच मैं एक चम्मच ऑयल दा लिया, गरम कर लिया। हुण मैं इस विच मसाले ऐड कर दूंगी। मसाले ऐड करते सार ही मैं अरबी ऐड कर दूंगी। अरबी नूं अच्छी तरह हिला देना।
ताकि मसाले अच्छी तरह कोट हो जाए। फ्लेम मैं बंद करती है नहीं तो मसाला सड़ जाएगा। बहुत टेस्टी से क्रिस्पी अरबी रेडी हुई है। स्पेशल अरबी टुक रेडी हो चुकी है। तुसी इसनू होर भी टेस्टी बनाना चाहते हो तो थोड़ा जहा मैगी मसाला ऐड कर दो, उस नाल बच्चे इसनू बहुत शौक नाल खाणगे। देखो फ्रेंड्स, सिंधी स्पेशल अरबी टुक बन के रेडी हो चुकी है। तुसी इसनू परौंठे या नान नाल सर्व कर सकते हो। जिहड़े बच्चे अरबी खाना नहीं पसंद करते वह भी इसनू बहुत शौक नाल खाणगे। तुसी मेरी रेसिपी ट्राई करो ते मैं कमेंट करके दस्यो कि तुहानू किवें दी लगी। पसंद आई तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करो ते मेरे चैनल में सबसक्राइब करो। मेरी वीडियो देखने लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।